I am Professor Dr. Vijay Garg from R.D. Gadi Medical College Ujjain. मैं यह बताना चाहता हूँ कि जनरल प्रैक्टिशनर को डायबिटीज के बारे में मैं समस्त डॉक्टर को ये बताना चाहूँगा कि जितने जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनको इंसुलिन से डर लगता है और मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपके द्वारा कि इंसुलिन ही शरीर में उत्पन्न होता है और उसी के कारण होता है, साइड इफेक्ट भी कम है, परंतु जिनकी ब्लड शुगर 450 है जिनको इमरजेंसी में यूज़ करना है उसको इंसुलिन के अलावा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। साथ ही मेन प्रॉब्लम डायबिटीज़ की हार्ट से बचना, हार्ट की बीमारियों से बचना और उसमें आजकल SGLT2 इनहिबिटर और GLP-1 का रोल आ गया है, तो जो मरीज खर्च कर सके उनको GLP-1 प्रिस्क्राइब करना है, परंतु जो ना खर्च कर सके उसको भी SGLT2 इनहिबिटर आफ्टर मेटफॉर्मिन देना है। पहले के ज़माने में सल्फोनूरिया देते थे अपन लोग, सल्फोनूरिया भी दे सकते हैं, पर SGLT2 बहुत अच्छी दवा है क्योंकि डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट, किडनी, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी सबको नियंत्रण करती, यूरिक एसिड को भी नियंत्रण करती है। आपको इंसुलिन कैसे देना वो भी बताना है, डाइट के बारे में भी बताना है, कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, मिलेट्स डाइट आजकल जो चल गई है उसको अपनाना पड़ेगा, जिससे कि हम इस डायबिटीज जो भयंकर बीमारी है दीमक की तरह, आपके द्वारा चूंकि 80% पेशेंट तो आपके पास ही आते हैं, 10-15% ही हमारे पास आते हैं, तो आपको विजय दिलाना पड़ेगी। घबराइए मत, मरीज को शिक्षित करिएगा, मरीज को एक्सरसाइज के बारे में बताइए, योगा के बारे में बताइए, ध्यान के बारे में बताइए और हम इस बीमारी से विजय प्राप्त करते हैं। डायबिटीज वाले मरीज को ऐसा नहीं कि शुगर कंट्रोल हो गई तो काम हो गया, उसका अपन को किडनी को भी बचाना है, उसकी आंख को भी बचाना है और अपन को उसके पेरिफेरल वास्कुलर को डिसीज को भी बताना है। उसके लिए उसको एसी इनहिबिटर देना है, उसको अपन को साथ में लिपिड्स कंट्रोल के लिए स्टेटिन देना है, ये आपको ध्यान रखना है और दोज़ हु आर हाई रिस्क एस्पिरिन देना है। थैंक यू वेरी मच।